एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं मुकुल लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइज आप सबको पता ही है मैं एक राइड की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आज इसमें मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये मोबाइल होल्डर अपनी बाइक के लिए। आप कोई भी बाइक में लगा सकते हो, मैं अपनी बाइक के लिए लाया हूँ। और इसमें इन बिल्ट चार्जर का सपोर्ट भी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट से। तो गाइस आप जैसे देख सकते हो आपके सामने एक ये है मल्टी फंक्शनल मोबाइल फ़ोन चार्जर ब्रैकेट। और ये मैंने लिया है करोल बाग से, अप्रॉक्स 400 रुपये का है ये। और अगर आप करोल बाग के आसपास नहीं रहते, दिल्ली में नहीं रहते, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, आप चेक कर लेना। अगर कोई मुझे सही जेन्युइन सा मिल गया अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगा मैं। अगर आप नहीं हो दिल्ली के आसपास तो आप ले सकते हो। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस बॉक्स के अंदर निकलता है कि चार्जर, और इसको भी साइड रखते हैं और देखते हैं क्या क्या है। बॉक्स को भी साइड रख देते हैं। ये है इसकी एक रबड़ इसमें लगी हुई भी है, आप जैसे देख सकते हैं। और तो साइड रखते हैं ये रबड़। इसके साथ कुछ ऐसे एक्सेसरीज टाइप भी आई हैं, फटाफट से खोलते हैं। एक ये स्मूथ पैडिंग टाइप है, ये दो हैं बेसिकली। और ये दो हैं, मैं दिखाता हूँ क्या क्या है किस लिए है। तो गाइस ये जो एक्स्ट्रा हैं ये तो इसके लिए है, अगर ये खो जाए तो आप इसको लगा सकते हो यहाँ पे। और ये जो चीज़ है ये अभी देख सकते हो आप, ये प्लास्टिक का है। और आप जब अपना फ़ोन लगाओगे तो इसको ये पीछे डबल टेप है, इसको हटा के ऐसे कर सकते हैं। मैं भी कर देता हूँ कि जिससे आपका फ़ोन पीछे से स्क्रैच ना आपके फ़ोन पे। और तो भाई जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें फ़ोन लगता है ऐसे, इसको ऐसे प्रेस करना होगा। ये ऐसे अब यहाँ फ़ोन रखा और ये ऐसे स्टिफ हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो है ये चार्जर, 5 वाट का चार्जर है। और आप देख सकते होगे ध्यान से, तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। मैं अगर कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने की, ये ऑन ऑफ का बटन है। और ये यूएसबी अंदर लाइट भी चलती है, जब मैं लेके आया था तो चेक करके लाया था कि चल रहा है नहीं चल रहा। और ये ऐसे हमारे बाइक पे कुछ ऐसे लग जाएगा। और ये बॉल है, अंदर बॉल हेड होता है वैसे ही है। आप इसको अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं, फिर ये कहीं नहीं हिल नहीं रहा। और इसको लूज़ करके आप जैसे मर्जी चाहें 360 ऐसे घूम जाएगा, और आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं अपनी बाइक में। तो गाइस बाकी ये जो अंदर आप नीचे देख रहे हो एक रबड़ टाइप है, मैं आपको एक बार फ़ोन लगा के दिखाता हूँ। और मुझे इसमें फ़ोन लगाना है तो इसको मैं ऐसे दबाऊंगा और ये फ़ोन लग गया। और ये कहीं नहीं जा रहा, मतलब बिल्कुल स्टिफ हो गया है, बिल्कुल नहीं हिल रहा ये। और इसके नीचे जो ये है ये ऐसे लगती है, इसमें हमें खींच के ऐसे लगानी होगी। अब तो मतलब ही नहीं है कि हिल जाए। जैसे आप देख सकते हो क्या तरीके से ये चारों तरफ से पैक सा हो गया है, और अब तो ये हिलने का मतलब ही नहीं है। बस आप अपनी बाइक में लगा दो और जहां आपको जाना है नेविगेशन ऑन करके चले जाओ। तो गाइस इसको अब निकाल देते हैं फटाफट से, साइड में रख देते हैं। तो गाइस ये वाटरप्रूफ चार्जर है ऐसा मुझे बोला गया है, तो हो गई, क्योंकि ये बाइक के लिए और बाइक में तो खुला ही रहता है, कुछ ऐसा बंद नहीं रहता। तो इसके लिए इसमें एक कैप भी है, और यहाँ पे ऑन ऑफ का एक स्विच भी दे रखा है। और अगर मैं चाहता तो एक ये पूरा चार्जिंग सॉकेट एक अलग भी आता है, बट उसकी कॉस्टिंग कुछ 800-900 या 1000 होती, तो मैंने कहा नहीं यार इसको ही ले लेते हैं। ये इसमें इनबिल्ट है, उसको अलग से लगाना पड़ता, बस ये एक बार लगा दिया और फ़ोन से ऐसे यूएसबी केबल से चार्ज होता रहेगा। और 5 वाट 2 एम्पेयर ऐसा लिखा है इस पर कि आउटपुट देगा ये फ़ोन चार्ज करते टाइम। तो चलिए गाइस इसे लगवाने चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ
अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है कि सही है या नहीं है। तो गाइस देख सकते हो आप, ये अपने आ गए स्टिकर बन के, बहुत सारे हैं। तो गाइस बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार आपके स्टिकर हम कैसे लें, हमें कैसे मिलेंगे आपके स्टिकर। तो गाइस आपको स्टिकर मिलेंगे, एक गिव अवे करने वाला हूँ मैं इन थोड़े दिनों में, 1000 सब्सक्राइबर होने तक मैं एक गिव अवे कर दूंगा। तो उस गिव अवे में आपको जो भी वो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर जो भी जीतेगा उसको गिव अवे का प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेरे दो स्टिकर भी मैं साथ में कूरियर करूँगा। तो गाइस बाकी इन फ्यूचर कभी रास्ते में कहीं मिल गए तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि स्टिकर जो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, कुछ कमी तो नहीं है, और मज़ेदार है ऐसे, मुझे तो मस्त लग रहा है यार। चलो अब चलते हैं फटाफट से मोबाइल वोबाइल लगाने। जा रहे थे तो भाई चलते हैं फटाफट से लगवाने, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। स्विच भी है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, और उसको कर देते हैं बंद। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका डेमो कैसे चार्ज करता है और इस फोन लगा के कितना वाइब्रेट करता है, क्या करता है। तो भाई जब मैं घर आ गया हूँ और मेरे पास फ़ोन है ये, अब इसको मैं लगाता हूँ आपके सामने और फिर टेस्ट करते हैं। अब एक बार ये नीचे से रबड़ भी खींच के लगा देता हूँ फटाफट से मैं, और ये आगे वाली भी लगा देता हूँ। तो अब आप जैसे देख सकते हैं ये एकदम फिट कर दिया है मैंने, और टाइट करने के बाद जैसे मुझे रखना है वैसे रख के, हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो भाई जैसे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को लगा दिया अच्छी तरीके से, और इस जैसे इलास्टिक बोल सकते हो आप, इलास्टिक भी इसके ऊपर लगा दिया मैंने और पूरा प्रॉपर तरीके से लगा दिया। अब ज़रा मैंने सॉकेट में ये USB भी लगा दी है, और यहाँ से भी एक बार हम इसको ऑन करते हैं, अब देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते होंगे ये चार्जिंग ले रहा है। तो गाइस चलो एक बार राइड करते हैं और देखते हैं कि इसका वाइब्रेशन कैसी होती है, क्या होती है इसका। अब तो गाइस आप जैसे देख सकते हो मैं अपनी बाइक पे निकल गया हूँ, इसको फ़ोन को मैंने अच्छी तरह लगा दिया है पैक करके। तो अब ये फ़ोन जैसा आप देख सकते हो एकदम फिक्स हो गया है, कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा, हल्का सा तो करेगा, ज़्यादा नहीं कर रहा, बट बिल्कुल पूरा हिल नहीं रहा फ़ोन, एकदम जैसे
पैक सा हो गया और चार्ज तो कर ही रहा है साइड बाय साइड, और विजिबिलिटी सही है एकदम, मैंने एक्यूरेट लगाया जैसे मुझे देखना है वैसे ही लगाया मैंने, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, मेरे नीड के हिसाब से परफेक्ट है। बहुत मैंने देखे थे महंगे महंगे भी आते हैं तो, बट इससे मेरा काम चल रहा है अच्छे से चल रहा है तो मुझे उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यही है कि बेस्ट है, प्राइस रेंज भी अच्छी है और प्रोडक्ट भी अच्छा है और बढ़िया है सब। तो भाई इस पूरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैं जो ख़रीद कर आया था अपना मोबाइल होल्डर विद चार्जर, उसको कैसे इंस्टॉल करा मैंने और उसके बाद उसको लगा के यूज़ करके भी दिखाया, तो मेरे हिसाब से बहुत सही प्रोडक्ट है। इसमें ये कुछ 400 का पड़ा, एक इससे और एक ऊपर वाली रेंज भी थी, उसमें जो बॉल है एक बार आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको बॉल है ये उसमें मेटल की थी, इसमें प्लास्टिक की है, बाकी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं था। बाकी चार्जिंग का और पूरा ये जो चार्जर का होल्डर है ये सारा सेम था उसमें भी, तो मैंने कहा यही ले लूँ, बाकी ये काम प्रॉपर कर रहा है, मुझे बहुत सही लगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप मुझे कर सकते हो फॉलो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और यहाँ पे भी यूज़र नेम आ रहा होगा नीचे मेरा, आप जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। और ये मोबाइल होल्डर मैं ख़रीद के लाया हूँ, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, आई बटन में आ रही होगी, वहाँ उस शॉप से करोल बाग में है गन मेटल ग्रे, मेरे दोस्त की जो उसमें मैंने काम करवाया था पूरी बाइक में, वहीं से मैं ख़रीद के लाया हूँ, तो जेन्युइन प्रोडक्ट लगा मुझे। अगर आप नहीं जा सकते करोल बाग तो वहाँ के लिए भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से ख़रीद लेना। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसके अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।